जोडियक साइंस एंड देयर रिलेशनशिप विद मनी, आपकी राशि कैसे हैंडल करती है पैसा। हर जोडियक साइन का एक अलग तरीका होता है पैसे को हैंडल करने का। कोई इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता है, कोई एकदम से खर्चा करता है, कोई लोन देता है, कोई लोन लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य पूजा गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं आपके जोडियक साइन और उसकी पैसे से रिलेशनशिप को लेके। लेकिन वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी को। स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे एनर्जेटिक राशि जो है एरीज। ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। इन लोग को रिस्क लेने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये मल्टी टास्कर होते हैं, एक जगह इन्वेस्ट किया और दूसरी जगह इनका फोकस चला जाता है। वहाँ पर अगर इन्हें लॉस हो गया तो तीसरी जगह ये रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके लिए एडवाइस यही है बस कि कोई भी प्लानिंग करने से पहले प्रैक्टिकली सोचें, उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लें, क्योंकि आप डिसीजंस बहुत ज्यादा जल्दी लेते हैं। तो सोच समझ के लॉन्ग टर्म गेन्स को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड, टॉरस जो कि वीनस की राशि है, ये लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन ये शुक्र की राशि है तो ये लोग लग्जरी में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको बैलेंस मेंटेन करना है, जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं वो भी, साथ में आपको लग्जरी ब्यूटी जो चाहिए उसको फिर बैलेंस करके चलना है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ ज़्यादा स्पेंड कर लें और आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे ना हो सकें। थर्ड, जेमिनाई, ये बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। कभी इनका मन करता है कि बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है और अचानक से फिर एक दिन इन्हें लगता है कि क्या करना है, सेव करके आज में जीते हैं और ये एकदम से स्पेंड कर देते हैं। इसलिए इनके इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी का। आपको क्यूरियोसिटी बहुत होती है, नए नए प्लान्स आएंगे, नई नई स्कीम्स आएंगे, आप सब कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, उनमें इन्वेस्ट करेंगे और फिर आप बोर हो जाएंगे और कुछ नया चाहिए होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, मनी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप जो गोल बनाएं, आप जो बजट बनाएं, उसी पर रहें, उसे फॉलो करें और कंसिस्टेंट रहें। फोर्थ नंबर यानी कैंसर राशि, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जब इनके हाथ में पैसा है, अगर जिनसे ये प्यार करते हैं, इनके लव्ड वंस, इनकी फैमिली, वो इनसे कुछ भी मांगेंगे ये उसी टाइम स्पेंड कर देंगे। ये इतने इमोशनल होते हैं कि ये खुद पे खर्चा नहीं करते, अपनी फैमिली फ्रेंड्स पे खर्चा करना पसंद करते हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहीं पे आपको बैलेंस करना है। आपको पहले अपना बजट, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए अलग निकालना है, उसके बाद स्पेंड करना है। अदरवाइज पता है क्या होगा, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए खर्च तो कर देंगे, लेकिन जब आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं होंगे तो आप उन्हीं लोगों से नाराज भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे। तो आपका फाइनेंशियल गोल भी हिल गया और आपके रिलेशनशिप्स भी हिल गए। इसलिए मनी को कभी भी इमोशनली खर्च नहीं किया जाता, हमेशा सोच समझ के प्रैक्टिकली मैनेज करें। लियो, लायन द किंग, इन लोगों के लिए इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और वो अचीव करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए ये लोग हमेशा ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। लग्जरी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, कंफर्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यहीं पर आपके लिए एडवाइस है कि शो ऑफ करना चाहिए लेकिन उतना जितना एक्चुअल हो। उससे ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में आप नुकसान में रह सकते हैं। तो वाइसली डिसीजंस लें, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने खर्चे उसी अकॉर्डिंग करें जितनी आपकी पॉकेट है। हमारी सिक्स्थ राशि जो है वर्गो, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, समझदार होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो इन टोटालिटी इनके फाइनेंशियल डिसीजंस एकदम ठीक जाते हैं। लेकिन इनके साथ क्या मुश्किल आती है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। ऐसा करने की वजह से कभी कभी अपने डिसीजंस डिले कर देते हैं, जो अगेन थोड़ा नुकसान कर देता है या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो आप डिसीजंस तो अच्छे लेते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि आप वो टाइम पे लें और अपनी डेडलाइंस को ठीक से मीट करें। तो दोस्तों, आज हमने बात की मनी की, पैसे की, हर जोडियक साइन को लेके, कि जब उस राशि के पास पैसा आता है तो उसका बिहेव
बिहेवियर कैसा होता है, उसका सोचने का तरीका कैसा होता है, वो स्पेंड कैसे करती है। अगर आपके इस टॉपिक को लेके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी को।